गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नव भारती परिवार में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है हमारा उद्देश्य का अर्थ, परिभाषा व विशेषताएं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको लक्ष्य के बारे में बताया था कि लक्ष्य का अर्थ क्या होता है, उसकी परिभाषाएं और उसकी विशेषताओं के बारे में, क्योंकि ये जो दोनों शब्द हैं हम इनमें अंतर ना करके कई बार ये गलती होती है कि हम लक्ष्य को ही उद्देश्य मान लेते हैं, लेकिन हमारे जो शिक्षा के क्षेत्र में इन दोनों में बहुत ही बारीकी से अंतर बताया गया है। लक्ष्य जिसे हम कहते हैं ध्येय, हमारा एम जिसे हम पूरा करते हैं, साथ में उद्देश्य के लिए मैंने बताया था, उद्देश्य के लिए बताना चाह रही हूँ कि उद्देश्य होता है कि जो हम जब लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं, जिन विधियों को हम, जिन क्रियाओं को हम करते हैं, वो हमारा उद्देश्य होता है। यानी लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए हम उद्देश्यों को काम में लेते हैं, ये हमारा उद्देश्य होता है। उद्देश्य के लिए ये चीज मानी जाती है कि उद्देश्य होता है जिस तरीके से एक नाविक चलाने वाले को अपनी मंजिल के बारे में नहीं जानता, तब तक वो उद्देश्य यानी कि उन उद्देश्यों के बिना वो नाविक अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचता। अर्थात इससे हमें ये संबंध, हम इससे ये संबंध निकाल सकते हैं कि हम हमारे लक्ष्य की प्राप्ति बिना उद्देश्यों को नहीं कर सकते, या कहें हम अपनी जो मंजिल पर पहुंचते हैं वो मंजिल हमें कौन पहुंचाता है, हमारा उद्देश्य पहुंचाते हैं। एक बताया था कि उद्देश्य हमारे जो व्यवहारिक वांछित व्यवहार होते हैं वो वांछित व्यवहार में सक्रिय होते हैं, और लक्ष्य हमारे उस चीज में नहीं होते। लक्ष्य का क्षेत्र मैंने बताया था कि हमारा जो लक्ष्य होता है वो बड़ा होता है, उसके लिए हम छोटे छोटे क्रियाएं करते हैं, हम उद्देश्य को काम में लेते हैं। या मैंने एक चीज बताई कि लक्ष्य की हम प्राप्ति कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, लेकिन उद्देश्य जो लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए हम जो उद्देश्य कर रहे हैं, प्रत्येक उद्देश्य की हमें प्राप्ति होती चली जाती है। अर्थात वो चरणों में हमारा उसका विभाजन होता है और उस चरणों में हम उसकी प्राप्ति करते हैं। हम देखते हैं कि जब हम बीएड के क्षेत्र से जुड़े हैं और हमें शिक्षक बनना है, तो पहला जो उद्देश्य हमारा शुरू होता है, हम बीटीटी के एग्जाम को अगर हम पास करते हैं, लक्ष्य तो हमारा शिक्षक बनना है, मंजिल हमारी शिक्षक बनना है, लेकिन उद्देश्य हमारे वहां से शुरू हो गए जहां हमने हमारी बीएड की प्रवेश परीक्षा के लिए हमने एग्जाम दिया। प्रथम उद्देश्य हो गया हमारा उस एग्जाम को पास करना, तो पहला चरण हमने, अगर हम एग्जाम में पास होते हैं तो हमारा पहला चरण होता है कि हमने जो एंट्रेंस एग्जाम है उसको हमने पास किया। फिर हम देखते हैं कि हम जब हमारी बीएड 2 इयर्स के, तो हम उसमें प्रवेश लेकर प्रथम वर्ष पास करते हैं, द्वितीय वर्ष पास करते हैं, उसके बाद में हम हमारे उसके एग्जाम टेस्ट में बैठते हैं। इसी तरीके से इन छोटे छोटे जो हमारे लक्ष्य के प्रति जो हम कार्य करते हैं, छोटे छोटे उद्देश्यों को प्राप्त करते हैं, वो हमारे उद्देश्य होते हैं। उन उद्देश्यों से हम हमारे लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं, हम मंजिल तक पहुंचते हैं। तो वही चीज बताई गई कि एक नाविक जो उद्देश्य होते हैं वो ऐसे होते हैं कि नाविक को ये पता नहीं रहता उसके बिना, उद्देश्यों के बिना, कि वो अपनी मंजिल तक पहुंचा है या नहीं, या अपनी मंजिल तक वो किस तरीके से पहुंच सकता है। कहा जाता है कि अगर उद्देश्य ना हो तो मतलब व्यक्ति का, या जो हम हमारे विद्यार्थी ऐसे हो जाते हैं जिस तरीके से कहते ना कि तूफान के थपेड़े जब आते हैं तो उन्हें क्या कर देते हैं, ध्वस्त कर देते हैं। अगर हमारे उद्देश्य नहीं होते हैं तो हम उस तूफान में कहीं खो जाते हैं, और कहें कि अगर हमारे पास हमारे उद्देश्य निर्धारित होते हैं तो हम उन तूफानों से लड़कर भी हम हमारी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। तो उद्देश्य के लिए वही की जाती है कि हमें उस कार्य को किस तरीके से करना है ये हमें बताते हैं, जिसके लिए हम कहते हैं कि उद्देश्य वह साधन है जिसके माध्यम से छात्र का क्या करते हैं, पाठ्यक्रम मार्ग पर चलकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। अर्थात लक्ष्य की प्राप्ति, इसका जो लक्ष्य की प्राप्ति हम करते हैं वो हम उद्देश्य के माध्यम करते हैं। उद्देश्य के लिए हम जब भी, उद्देश्य का अर्थ हम कहते हैं कि जो हमें किस तरीके से उस ध्येय को, मनुष्य का जो ध्येय है उसे किस तरीके से उसे पूरा करना है, ये हमारा
उद्देश्य में आता है कि किस तरीके से हमें प्राप्त करना है। तो हम देखें कि उद्देश्य की प्राप्ति के लिए यानी कि लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम क्या करते हैं। उद्देश्य वह साधन होता है जो पाठ्यक्रम मार्ग पर चलकर लक्ष्य की प्राप्ति करवाता है। ये होता है हमारा उद्देश्य यानी कि जो हमें हमारे लक्ष्य की प्राप्ति करवाते हैं वो हमारा उद्देश्य होता है। उद्देश्य के लिए कहा जाता है कि इसका जो सर्वप्रथम इसके प्रतिपादक थे जनक, जिसे हम कहते हैं उद्देश्य शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था वो क्या था 1918 में। उद्देश्य शब्द का जो प्रयोग किया था हमारे शिक्षा के क्षेत्र में वो था 1918 में किया गया था। और इनके जो जनक थे वो जनक है इनके बोविट महोदय, इनके जनक माने जाते हैं, जनक है उद्देश्य के जनक बोविट महोदय, इनके जनक हैं बोविट महोदय। कहा जाता है कि जो हमारे भारत में हमने देखा है कि इन्होंने बताया तो है कि उद्देश्य लक्ष्य अलग है, लेकिन हमारे जो देश है उसमें कई बार ये कंफ्यूजिंग जो आती है इसके अर्थ को ना समझकर इसीलिए आती है कि हमारे देश में लक्ष्य को और उद्देश्य को एक मान लिया जाता है। लेकिन हम जब इसको बारीकी से देखते हैं कि इनमें क्या अंतर है तो हमें वो अंतर स्पष्ट दिखाई देता है। अब आगे हम इसकी परिभाषाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम है परिभाषा, कार्टर वी गुड ने कहा है कि उद्देश्य वह मापदंड है जिसको छात्र द्वारा विद्यालय क्रियाओं को पूर्ण करके प्राप्त किया जाता है। यानी कि हम उद्देश्य जो हमारा लक्ष्य है टीचर बनने का, लेकिन वो टीचर हम कब बन रहे हैं, जब हम उन विभिन्न क्रियाओं से गुजर रहे हैं, हम एग्जाम पास कर रहे हैं, हम प्रवेश ले रहे हैं विश्व हमारे महाविद्यालय के संस्थान में, उन संस्थाओं से हम उस बीएड के एग्जाम को पास कर रहे हैं, यानी उस प्रक्रिया से उस विद्यालय प्रक्रिया को हम पूर्ण करके ही हमें लक्ष्य की प्राप्ति हो रही है। तो इसमें कहा गया कि उद्देश्य ऐसे मापदंड होते हैं कि वो हमें उस प्रक्रिया को पूर्ण करवाते हैं। किस तरीके से कहते हैं ना कि मैंने बताया था कि हमारे चरणों में हमें उद्देश्य की प्राप्ति होती है, यानी प्रत्येक चरण हमें उद्देश्य की प्राप्ति करवाते हैं। जब भी कहा जाता है कि उद्देश्य की प्राप्ति संभव है लेकिन लक्ष्य की प्राप्ति संभव नहीं होती, जरूरी नहीं कि हम हमारी मंजिल तक पहुंचे, लेकिन उसके लिए जब हम कार्य करते हैं उसके बीच में जो हम छोटे छोटे कार्य करते हैं वो उद्देश्य हमारे, उनमें हम उद्देश्य की प्राप्ति करते चले जाते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि उद्देश्य वह मापदंड है जिसको छात्र द्वारा जो विद्यालय क्रियाओं को पूर्ण करके प्राप्त किया जाता है, उसके लिए जो समस्त क्रियाएं होती हैं वो क्रियाएं हम करते हैं, और इसमें हमारे जो निर्देशन का काम करते हैं उन उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वो हमारे लिए हमारे शिक्षक होते हैं। फिर है सेकंड भी कार्टर वी गुड की परिभाषा है, उद्देश्य छात्र के व्यवहार में वह इच्छित परिवर्तन है जो विद्यालय द्वारा पथ प्रदर्शित और अनुभव का परिणाम होता है। ये हमारे उद्देश्य के लिए कहा जाता है। जब हम पथ प्रदर्शित करते हैं, पथ प्रदर्शित हमारे लिए कौन करते हैं, कोई हमारे शिक्षक, हमसे बड़े लोग, यानी कि जिनका उन्हें अनुभव होता है वो हमारा पथ प्रदर्शित करते हैं। तो कहते हैं कि जो हमारे उद्देश्य के बाद जो हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता है वो परिवर्तन हमारे अनुभव और जो हमारे पथ प्रदर्शक होते हैं उनका परिणाम होता है, उनके परिणामों से ही हमें सीखने को मिलता है। हम देखते हैं कि हम क्रियाएं बहुत करते हैं हमारे लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, लेकिन हम उसकी प्राप्ति नहीं कर पाते हैं, तो हमें क्या मिलता है, उसमें अनुभव मिल जाता है। फिर हम दोबारा जब उस कार्य को करते हैं तो वो अनुभव हमारे लिए हमारे परिणाम बनते हैं कि हमने ऐसा कौन सा हमारा पक्ष
प्राप्ति नहीं हुई। तो विद्यार्थी के लिए, उद्देश्य के लिए हम यही कहेंगे कि ये हमारे लिए एक पथ प्रदर्शित एवं हमारे अनुभव का परिणाम होता है। फिर दीवी जी ने लिखी है कि उद्देश्य एक पूर्व दर्शित लक्ष्य होता है, यानी कि हम देखते हैं ना कि जब हम क्रिया संपन्न करते हैं, उद्देश्य के लिए ये भी कहा जाता है कि पूर्व नियोजित होती है। जब हम हमारा लक्ष्य निर्धारित करते हैं, उस लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारी क्रियाओं ने हमारे कार्यों का हम विभाजन करते हैं, और कार्यों का हम विभाजन करते हैं तो वो क्या हो गई, हमारी पूर्व दर्शिता, यानी कि हम पहले से उसके बारे में सोच कर कार्य करते हैं, वो हमारी पूर्व नियोजित प्रक्रिया है कि किस तरीके से हमें आगे पहुंचना है। तो इसके लिए कहते हैं कि उद्देश्य हमारा एक पूर्व दर्शित लक्ष्य होता है, यानी कि प्रत्येक उद्देश्य के पीछे एक लक्ष्य हो जाता है कि इस चरण में हम इस लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे। तो इसके लिए ये जो उद्देश्य है, ये हमारा कहते हैं कि उद्देश्य हमारे पूर्व लक्षित, हमारा जो लक्ष्य होता है, जो पहले से हम सोच कर रखते हैं, उसकी प्राप्ति ही हमारा उद्देश्य है। जो किसी भी क्रिया को दिशा निर्देशन देते हैं एवं व्यवहार को प्रेरित करते हैं, साथ में हमें दिशा निर्देश भी देते हैं। दिशा निर्देशन का कहते हैं कि हम हमारे लिए, चाहे हमारे सहायक, हमारे शिक्षक हो या उससे अनुभवशील कोई व्यक्ति हो, तो वो हमारा दिशा निर्देशन का हमारा कार्य करते हैं। तो व्यवहार साथ में फिर वो हमारे व्यवहार को भी प्रेरित करते हैं, क्योंकि हम उनके अनुभव से प्रेरित होते हैं, और उनके अनुभव से जब प्रेरित होते हैं तो उन्हीं अनुभवों को हम अपने व्यवहार में हम लेते हैं। ये हमारी डेफिनेशन थी क्वार्टर विभुट की और डीवी की। आगे हम देखेंगे, अब पढ़ना हम देखेंगे कि हमारे जो उद्देश्य है उसकी विशेषताएं कौन कौन सी होती है, कौन कौन सी इसके अंदर विशेषताएं पाई जाती हैं। तो मैं देखूंगी, सबसे पहले इसकी विशेषता होती है, उद्देश्य किसी भी विषय के वांछनीय स्वरूप की व्याख्या करने में क्या होता है, ये आवश्यक होता है। किसी भी विषय की, पहला है किसी भी विषय की क्या करते हैं, ये किसी भी विषय की वांछनीय स्वरूप की, जो हमारे लिए जरूरत हो, वांछित हो, जो हमारे लिए हमारे काम आ सके, विषय के वांछनीय, विषय के वांछनीय स्वरूप की व्याख्या, यानी कि उसकी व्याख्या हमारे लिए क्या है, हमारा उद्देश्य है। फिर आता है हमारा सेकंड कि उद्देश्य हमारे लिए एक शिक्षण कार्य का, जो हमारे हम इसके प्रति जो हम शिक्षा से संबंधित हम जो कार्य करते हैं, यानी कि शिक्षण यानी टीचिंग, जिससे हम सीखते हैं कि शिक्षण कार्यों का सीमांकन करता है, सीमांकन करता है, अर्थात इसमें लिमिट भी रहता है। कई बार हमें हम कहते हैं कि अगर हमारे लक्ष्य की प्राप्ति करें तो हम अगर उस कार्य को सीमांकन नहीं करेंगे तो ना तो हमारे पास उसके लिए, कहते हैं ना, किसी कार्य को करने के लिए समय और जो उसके किन चीजों की आवश्यकता होती है, उन सभी की हमें आवश्यकता होती है। तो शिक्षक जो शिक्षण का कार्य है, एक लिमिट होनी चाहिए, उसके सीमांकन होना चाहिए कि हम कब तक इसे पूरा कर सकते हैं, एक उसके लिए निश्चित समय होना चाहिए। तो वो हमारे उद्देश्य करते हैं, उन उद्देश्यों के आधार पर ही हमें ये पता रहता है कि हम अपने लक्ष्य तक कब तक उसको पूरा कर सकते हैं, इसीलिए ये हमारे लिए एक सीमांकन का काम करता है। थर्ड आता है हमारा उद्देश्य की प्राप्ति के लिए क्यों, ये क्या करते हैं, अध्यापक एवं छात्र दोनों की क्रियाओं के लिए क्या होता है, ये मार्गदर्शन होता है। छात्र व शिक्षक दोनों के लिए एक मार्गदर्शन का कार्य है, दर्शन का कार्य करता है। कौन, उद्देश्य, ये दोनों को दिशा निर्देश प्रदान करते हैं कि हमें किस तरीके से आगे बढ़ना है, किस तरीके से हमें हमारे लक्ष्य की प्राप्ति करना है। साथ में कहते हैं कि इसके द्वारा हम पाठ्यक्रम का भी निर्धारण करना है।
कर रहे हैं और हम उसका सीमांकन करते हैं, उसका विभाजन करते हैं, तो हमारे पाठ्यक्रम का भी विभाजन है। किस तरीके से हमें उस कार्य को करने के लिए हमें किस पाठ्यक्रम की आवश्यकता होती है, तो ये हमारा पाठ्यक्रम का निर्धारण भी करती है। पाठ्यक्रम का निर्धारण, पाठ्यक्रम का निर्धारण भी किसके माध्यम से होता है? उद्देश्य, क्योंकि उसी के द्वारा ही तो वो प्रत्येक अपना पक्ष पूरा करते हैं। यानी कि एक साथ लक्ष्य पर तो हम पहुंचते नहीं है, हम उसके विभिन्न पक्षों को पूरा करते हैं। तो वो पूरा करने के लिए हमें क्या करना होता है? पाठ्यक्रम निर्धारित करना होता है कि किस तरीके से हम उसे पूरा कर सकते हैं। ये हमारे जो उद्देश्य है उनकी हमारी विशेषताएं हैं। साथ में हम ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से हमारे लक्ष्य का क्षेत्र व्यापक था लेकिन हमारे उद्देश्यों का क्षेत्र सीमित होता है, या हम कहें कि ये हमारे व्यवहारिक होते हैं, हम कहते हैं उद्देश्य की हम प्राप्ति कर सकते हैं, ये छोटी छोटी विशेषताएं भी इसमें पाई जाती है। अब नेक्स्ट जो वीडियो आएगा बच्चों, वो मैं आपको लक्ष्य और उद्देश्य में दोनों में इसके अंतर को स्पष्ट करूंगी। आज हमने इसकी विशेषता और इसके अर्थ को पहचाना, इनके जनक का नाम पता चला कि इनके प्रतिपादक कौन थे और कब ये शब्द हमारे प्रयोग में आया, इस वीडियो में हमने इन सब का वर्णन किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम दोनों में, इन दोनों में लक्ष्य और उद्देश्य में हम अंतर स्पष्ट करेंगे। धन्यवाद।